जनपद आजमगढ़ में 32 लाख रुपए की साइबर ठगी में 3 नाइजीरियन गिरफ्तार। 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, राइटर, 4 पासपोर्ट, 4 सिम कार्ड, 4 नाइजीरियन सिम कार्ड बरामद हुए। अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी के मामले को दे चुके हैं अंजाम। साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट, आईफोन, डायमंड नेकलेस व करोड़ों रुपए देने के बहाने 32 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन गैंग के 3 नाइजीरियन साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 7 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, राइटर, 4 पासपोर्ट, 4 सिम कार्ड व 4 नाइजीरियन सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। 14 मई 2023 को एक महिला द्वारा थाना सहतवार जनपद बलिया में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि इंस्टाग्राम आईजी लॉरेंस एंड माइकल 022 द्वारा दोस्ती कर मेरे से शादी में महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 32 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ त्रिवेणी सिंह के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अधिसूचना संकलन करके कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। उक्त अभियोग की विवेचना में नाइजीरियन गैंग के 3 नाइजीरियन साइबर अपराधी जो चंद्रविहार निलोठी दिल्ली में रहकर साइबर ठगी कर रहे थे उनका नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से दिल्ली राज्य जाने हेतु परमिशन प्राप्त कर निरीक्षक विमल प्रकाश राय साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया था। दिनांक 16 सितंबर को उक्त मामले में 3 नाइजीरियन साथी अपराधी चिबुके ऑस्टिन पुत्र ऊचे, चिमेजी जस्टिस पुत्र गोडविन निवासी एमाफोर ओहाजी एजमेमा एलजीए आईएमओ स्टेट नाइजीरिया और चिमा मकपा किचटो पुत्र एके चुखू एमैनुअल निवासी इसलुगा एलजीए आईएमओ स्टेट नाइजीरिया को मोबाइल लोकेशन के आधार पर निहाल बिहार थाना क्षेत्र दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग स्टूडेंट व मेडिकल वीज़ा पर इंडिया आते हैं व नॉर्थ ईस्ट जिला के मिजोरम व नागालैंड के लोगों के साथ मिलकर महंगे गिफ्ट व करोड़ों रुपए देने के बहाने इंडिया व अन्य देशों के आम लोगों से साइबर ठगी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पुरुष व महिलाओं को पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाता व अधिक मात्रा में एक्टिवेटेड सिम प्राप्त करते हैं। उपरोक्त मुकदमे में हम लोगों ने महंगे उपहार देने के नाम पर अधिवक्ता शुल्क, कस्टम शुल्क, फाइल शुल्क इत्यादि के नाम पर करीब 32 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि फर्जी बैंक खातों में पैसा जमा करके एटीएम से निकाल लेते हैं व नाइजीरिया के बैंक खाता में जमा करा देते हैं। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने अलग अलग नाइजीरियन व अफ्रीका के बैंक खातों में पैसा जमा कराए हैं जिनकी गहराई से जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि इस अपराध में दीमापुर नागालैंड की महिलाएँ दिल्ली में रहकर साइबर अपराध में सहयोग करती हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के आधार पर अपराध में संलिप्त नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम व नागालैंड के अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान व बरामद डिटेल्स के आधार पर अब तक करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी इन लोगों द्वारा की गई है। फिलहाल सुपर